नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों, विप्रो लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 560-563 के आसपास है। इसमें गिरावट आई है, पिछले दो महीने के अनुसार देखते हैं तो अपने टॉप से जो इसका हाई था 739.85 रुपये, वहाँ से गिर कर 560 के लो जो बनाया है 535 बनाया है। और 2021 में विप्रो में बड़ी अच्छी तेज़ी थी। अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 17 फरवरी 2021 को 430 में था, वहाँ से बढ़ कर ये 739 तक गया था। तो जिन्होंने 2021 में निवेश किया था तो उनको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिला, बट 2022 में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही है। और सिर्फ विप्रो में नहीं हो रही है, आप SLTech को देखिए, इन्फोसिस देखिए और TCS में भी गिरावट थी। बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ तो उसके वजह से स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो आने वाले समय में विप्रो में भी इस तरह का हो सकता है और काफ़ी प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। IT सेक्टर का जो बिजनेस होता है ग्लोबली होता है, तो विप्रो को काफ़ी प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में तिमाही नतीजे अच्छे आने चाहिए और समय लगता है थोड़ा सा। अगर किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, कहीं से बिजनेस अगर मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, नेक्स्ट तिमाही रिजल्ट्स में रेवेन्यू बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट अगर बढ़ता है, EPS बढ़ता है तो स्टॉक अपने आप अच्छा करता हुआ दिखेगा। विप्रो का जो हिस्ट्री है, अगर स्टॉक तेज होता है तो बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है कंपनी के द्वारा। तो IT सेक्टर के शेयरों के पास काफ़ी पैसा भी होता है और जिस तरह से TCS ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, आने वाले समय में उसी तरह से विप्रो के द्वारा भी हो सकता है। तो स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत बेरिश मोड में, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करेंगे। Q3 के जो नतीजे आए थे, Q3 FY22 के जो नतीजे आए थे, उसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट में कमी पेशी थी, रेवेन्यू एक तरह से बढ़ के आया था। स्टॉक में मुनाफा वसूली हुई और 200 EMA को होल्ड नहीं कर पाया ये। और अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। विप्रो लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। स्टॉक देखिए 563.90 रुपये में है और अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। जो अभी लो बनाया इसने, देखिए 538-537.20 रुपये और स्टॉक प्राइस है 563.90 रुपये। तो आगे क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो स्टॉक देखिए एक तरह से ऊपरी लेवल से ये फिसला है, 720-730 के आसपास था, अपने हाई के आसपास था। 31/12/2021 को ऊपर की तरफ था और नए साल में प्रॉफिट बुकिंग आई है विप्रो के साथ। जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं IT सेक्टर के, इन्फोसिस देख लीजिए आप और SLTech को देखिए, TCS को देखिए, इनमें गिरावट रही है। बट ये कि TCS का जो स्टॉक है उसमें बायबैक होना है 4500 में, तो थोड़ी बहुत उसमें बाइंग है। और अभी फिलहाल विप्रो की बात कर रहे हैं तो विप्रो में भी एक अच्छी तेज़ी बनी थी। अगर 2021 में आपने लिया होगा स्टॉक को तो बड़ी अच्छी तेज़ी बनी थी इसमें। 520 से ये भागकर सीधे से दोस्तों ऊपर की तरफ चला गया था, 740 के आसपास बढ़िया एक तेज़ी बनी, ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई स्टॉक में और नीचे की तरफ आया स्टॉक। 603.95 रुपये लो बनाया, 200 EMA के आसपास आया, उसके बाद स्टॉक में एक तेजी बनी, अपने टॉप के आसपास गया, मीन्स जो हाई बनाया था उसके आसपास गया, फिर से एक तरह से मुनाफा वसूली। किसी भी स्टॉक में अगर बड़ी गिरावट होती है, जैसे विप्रो में एक बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद एक जंप किया इसने, फिर से गिरावट रही। तो कहने का मीन्स ये है कि किसी भी स्टॉक में अगर गिरावट होती है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें क्या है कि जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर से उसमें गिरावट की संभावना रहती है। यहाँ पे मुनाफा वसूली और तीसरी तिमाही के नतीजे आए तो स्टॉक एकदम से नीचे की तरफ आ गया। अब जो लोग बीच में ये ट्रैप हो गए या जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आगे क्या हो सकता है। देखिए 563 में है स्टॉक, जब तक ये 590 और 600 के ऊपर क्लोज नहीं होता तो तेजी कम रहेगी दोस्तों इसमें। कहने का मतलब कि थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है और ये जो लेवल है 200 EMA है, अगर ये 607-611 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें एक बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी और ये रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करते हैं तो जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों 535 का रहेगा। अगर 535 के नीचे फिसलता है तो ये स्टॉक 520-515 तक आता हुआ दिखेगा। प्राइस होगा 12/7/2021 में इसका प्राइस था, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाएगा स्टॉक। अगर 530 के नीचे स्लिप होगा तो इसमें बाइंग आ जाएगी, ओवरसोल्ड हो जाएगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है Q4 के रिजल्ट तक, और Q4 के रिजल्ट में अगर इम्प्रूवमेंट होता है तब ये स्टॉक में तेजी रहेगी और चार्ट पैटर्न के अनुसार स्टॉक में तेजी आएगी 611 के ऊपर दोस्तों।
ये डेली कैंडल्स के अनुसार है और वॉल्यूम भी कम ही है इस वक्त। तो दोस्तों ये जो लेवल्स है डेली कैंडल्स के अनुसार है, ये 7-8 महीने का जो ट्रेंड बना हुआ है उसके अनुसार लेवल्स थे। दोस्तों विप्रो का जो मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर 99 का है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 22 का। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। हम रिटर्न की बात करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 3 साल पहले स्टॉक को किसी ने लिया है, निवेश किया है, तो 99% का रिटर्न दिया है विप्रो ने, और 1 साल का जो रिटर्न है 28% का। बट ये कि 3 महीने का जो रिटर्न है माइनस में है, 14% माइनस में है। 3 महीने के अनुसार स्टॉक में गिरावट रही है, जैसे कि हम लोगों ने अभी चार्ट में भी देखा। तो 3 साल का रिटर्न 99%। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।